हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फिट ऑफ फिजिकल एजुकेशन चैनल। दोस्तों, डेली की तरह बेस्ट क्वेश्चनों का सीरीज लेके आ गई हूँ। यह एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के मस्कुलर सिस्टम यानी कि पेशीय तंत्र से रिलेटेड क्वेश्चंस है, जो भी फिजिकल एजुकेशन कंपटीशन एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सभी प्रक्रियाएं जो भी फिजिकल एजुकेशन में होती हैं, सही मसल्स के द्वारा ही होती हैं, इसलिए मसल्स के सभी क्रियाओं को आपको समझना जरूरी है। एंड दोस्तों, आप बिहार टीजीटी 2023 की प्रिपरेशन के लिए फुल तैयारी मैं करवा रही हूँ, जैसे कि चैप्टर वाइज सभी टॉपिक को मैं क्लियर कर रही हूँ एमसीक्यू के माध्यम से, पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ। और थ्योरी सेशन पढ़ना चाहते हैं तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और सभी टॉपिक को एक एक करके थ्योरी आप पढ़ सकते हैं। और यह केवल बिहार यानी बीपीएससी टीजीटी के लिए ही नहीं है, यह अदर स्टेट के सभी टीजीटी पीजीटी सभी प्रकार के फिजिकल एजुकेशन कंपटीशन एग्जाम के लिए यह आपके लिए इम्पोर्टेंट है। चाहे EMRS हो, यूपी टीजीटी हो, एमपी वर्ग 2-3 हो, चाहे KBS MBS हो, सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, आप डेली बेसिस से मेरे साथ बने रहिए, आप 100% सफल होंगे। बस कंसिस्टेंसी बनाए रखिए, ये नहीं है कि आप एक दिन 24 घंटा पढ़ लिए, इतना घंटा पढ़ लिए, दूसरे दिन कुछ नहीं पढ़े, कम घंटा ही पढ़िए, लेकिन डेली पढ़िए। तो कंसिस्टेंसी यानी कि लगातार में बहुत ज़्यादा शक्ति होती है। तो चलिए चलते हैं आज के क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन है दोस्तों, पेशी का निम्न में से कौन सा कार्य नहीं है? तो सबसे पहले आप मस्कुलर सिस्टम, जैसे कि आपने पढ़ा है कि शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है कोशिका, और कोशिकाओं के समूह से समान कार्य समान संरचना वाले कोशिकाओं के समूह को ऊतक यानी टिश्यू कहा जाता है। इन अलग अलग समान प्रकार के कार्य करने वाले टिश्यू से मिलकर अंग बनते हैं, जैसे पैंक्रियाज, अमाशय, लीवर, और इन विभिन्न अंगों से हमारा शरीर का निर्माण होता है। उसी में से एक है पेशी यानी मस्कुलर तंत्र, मस्कुलर टिश्यू। तो मांसपेशी के अध्ययन को मायोलॉजी बोला जाता है, और जो पेशी कोशिकाएं होती हैं यह भ्रूण के मेसोडर्म से बनते हैं। और अपवाद यह है कि आंखों की जो आयरिस और सिलियरी पेशी है वह भ्रूण के एक्टोडर्म से बनती है। कुछ और इसके बारे में मूलभूत जानकारी दे देते हैं, जैसे कि जो मांसपेशी होता है वो हमारे शरीर का 45% भार, हमारे शरीर के कुल भार का 45% पाया जाता है। और उसमें से जो पेशियां होती है, तीन प्रकार की होती हैं, ऐच्छिक यानी रेखित पेशियां, जिसे स्केलेटल मसल्स, वेलेंट्री, स्टेटॉइड, स्ट्रिपेड मसल्स बोलते हैं। अनैच्छिक पेशियां दूसरा होता है, जिसे इनवेलेंट्री, अनस्ट्रिपेड, नॉन स्टेटॉइड, स्मूथ मसल्स बोलते हैं, जिसे अरेखित पेशी भी बोलते हैं। और तीसरा होता है हृदय पेशी यानी कार्डियक मसल्स, जिसमें से जो हमारे शरीर के कुल भार का 45% भाग भार वाली मसल्स का होता है, उसमें से 40% भाग रेखित पेशियों या कंकाली पेशियों का होता है, याद रखिएगा। और मस्कुलर टिश्यू में 75% जल पाया जाता है, जबकि एडिपोज टिश्यू वसा ऊतक में 10% जल पाया जाता है। एंड दोस्तों, चलते हैं अब क्वेश्चंस की तरफ, आप क्वेश्चन के माध्यम से ही समझेंगे। तो क्वेश्चन है, पेशी का निम्न में से कौन सा कार्य है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ मसल्स? एगोनिस्ट, एंटागोनिस्ट, न्यूट्रलाइजर, सब्सिडाइजर। तो दोस्तों, जो है मांसपेशी के कई सारे कार्य होते हैं, जैसे कि एगोनिस्ट क्या होता है, यहाँ पे एगोनिस्ट, एंटागोनिस्ट, न्यूट्रलाइजर ये मांसपेशी का कार्य है, बट सब्सिडाइजर नहीं है। आई होप कि आप प्रश्न देखते ही आंसर दे दिए होंगे, थ्योरी सेशन पढ़े होंगे। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट है, सब्सिडाइजर यहाँ पे मांसपेशी का कार्य नहीं है, सब्सिडाइजर नहीं है। जबकि एंटागोनिस्ट, एगोनिस्ट, न्यूट्रलाइजर है। एंटागोनिस्ट होता क्या है, अब इसके बारे में भी समझ लीजिए। जब हम कोई कार्य करते हैं तो मस्कुलर को, मांसपेशी को कंट्रक्शन में जो मुख्य भूमिका निभाती है उसे कहते हैं एगोनिस्ट, और जो उसके विपरीत भूमिका निभाती है
उसे कहते हैं एंटागोनिस्ट। और न्यूट्रलाइजर का मतलब होता है कि मांसपेशी कोई भी अन्य कोई गलत गति नहीं करती है। जैसे कि एगोनिस्ट क्या होता है, जिसे हम मूवर्स या एगोनिस्ट या प्राइम मूवर्स भी बोलते हैं, जैसे किसी गति के लिए मुख्य भूमिका अदा करती है उसे हम एगोनिस्ट कहते हैं। जैसे आप हाथ को फ्लेक्शन कर रहे हैं, हाथ को क्या कर रहे हैं, फ्लेक्शन यानी मोड़ रहे हैं, तो उस समय जो बाइसेप्स है, बाइसेप्स मसल्स है, वो एगोनिस्ट का कार्य कर रहा है, यानी मुख्य भूमिका कंट्रक्शन में कर रहा है, और उसकी सहायता कर रहा है सहायक भूमिका। तो उसके विपरीत बाइसेप्स मुख्य भूमिका अदा कर रहा है, उसके विपरीत ट्राइसेप्स मांसपेशी है। तो जो विपरीत मूवर यानी कि एगोनिस्ट की विपरीत गति करती है उसको हम कहते हैं एंटागोनिस्ट। क्या कहते हैं? एंटागोनिस्ट। तो क्या समझे, जो मस्कुलर कंट्रक्शन में मुख्य भूमिका अदा करती है उसे एगोनिस्ट कहते हैं, जो उसकी विपरीत भूमिका अदा करती है उसे एंटागोनिस्ट कहते हैं। यानी कि जब आप एल्बो को फ्लेक्शन कर रहे हैं तो उस समय ट्राइसेप्स आपका मुख्य भूमिका अदा कर रही है यानी एगोनिस्ट का कार्य कर रही है, जब और जो एंटागोनिस्ट है वो विपरीत गति यानी प्रतिस्पर्धी के रूप में काम कर रही है, यानी एंटागोनिस्ट के रूप में काम कर रही है। वहीं पे जब आप एल्बो को एक्सटेंशन करेंगे यानी कि फैलाएंगे उस समय मुख्य भूमिका अदा कर रही है आपका ट्राइसेप्स मसल्स। यहाँ पे ट्राइसेप्स फ्लेक्शन के समय, फैलाने के समय ट्राइसेप्स आपका एगोनिस्ट का कार्य कर रही है और उसके विपरीत बाइसेप्स काम कर रही है, तो इसलिए कार्य के अनुसार बदल जाएगा। और न्यूट्रलाइजर क्या होता है? न्यूट्रलाइजर का मतलब कि गति के दौरान पेशी अन्य कोई गलत काम नहीं कर सकती, यानी कि एल्बो फ्लेक्शन हो रहा है तो उस समय सुपाइनेशन गति नहीं हो सकती है, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है स्नायु का खिंचना कहलाता है, यानी स्ट्रेचिंग ऑफ लिगामेंट इज कॉल्ड। तो लिगामेंट मैं कई बार बताई हूँ आपको स्ट्रेन स्प्रेन दोनों को पहचानने का ट्रिक, क्योंकि स्प्रेन स्ट्रेन में से कोई एक पूछ ही लेता है हर बार। तो स्नायु स्प्रेनली, ठीक है, लिगामेंट का खींचना स्प्रेन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? लिगामेंट का खींचना स्प्रेन बोला जाता है, लिगामेंट का खींचना स्प्रेन बोला जाता है। जैसे कि मैंने बताया है कि मांसपेशी या टंडन का खींचना बोलेगा तो वहां पे खिंचाव या स्ट्रेन होगा, जब लिगामेंट यानी स्नायु का खींचना बोलेगा तो वहां पे स्प्रेन या आपका मोच होगा, हिंदी में मोच लिखा रहेगा, इंग्लिश में स्प्रेन लिखा रहेगा। तो लिगामेंट यानी स्प्रेन स्प्रेनली, स्प्रेन के आगे ली लगा दीजिए थे, यानी स्प्रेन किससे खिंचाव से होता है, स्प्रेनली स्प्रेन लिगामेंट, और स्ट्रेनम यानी कि स्ट्रेनियम यानी कि मसल्स और कॉन्ड्रा यानी कि टेंडन के खींचने से होता है स्ट्रेन। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसा कि दोस्तों आप समझ सकते हैं कि जो लिगामेंट होता है दो हड्डियों को जोड़ों पर जोड़ता है, जबकि जो टेंडन होता है वो कंकाल मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लूटियस मैक्सिमस मांसपेशी स्थित है। तो दोस्तों आप सबको पता है, वेयर इज द ग्लूटियस मैक्सिमस मसल्स लोकेटेड, तो यह है आपका हिप में। कहाँ पे है? हिप में। ये हमारे शरीर की सबसे बड़ी मसल्स है, शरीर की क्या है, सबसे बड़ी मसल्स है, कौन? ग्लूटियस मैक्सिमस। और सबसे लंबी मसल्स कौन है? सार्टोरियस। सबसे लंबी मसल्स कौन है? लॉन्गेस्ट बोलेगा तो सार्टोरियस, और बड़ा बोलेगा तो ग्लूटियस मैक्सिमस। सबसे मजबूत मसल्स बोलेगा तो निचले जबड़े की मसेटर मसल्स, एंड सबसे छोटी मसल्स तो कान की स्टेपीडियस मसल्स। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार की पेशी तंतु लंबे समय तक चलने वाली क्रियाओं के लिए उपयुक्त होते हैं?
तो किस प्रकार के पेशी तंतु लंबे समय तक, तो मांसल्स में दो प्रकार के मसल्स फाइबर यानी तंतु पाए जाते हैं, रेड मसल्स फाइबर, व्हाइट मसल्स फाइबर। रेड मसल फाइबर जो होता है स्लो ट्विस्ट फाइबर है, यानी कि धीरे धीरे संकुचित होता है, और जो व्हाइट मसल्स फाइबर होता है वो फास्ट ट्विस्ट फाइबर होता है, यानी कि जल्दी जल्दी संकुचित होता है। जो रेड मसल्स फाइबर होता है वो सहनशीलता वाले खेलों के लिए, आकारों के लिए अच्छा होता है, जबकि व्हाइट मसल्स फाइबर जो होता है जो जल्दी जल्दी संकुचित होता है वो एनारोबिक क्रियाओं यानी कि छोटे समय की क्रियाओं के लिए, जो मसल्स का यूज होता है ज़्यादातर, पावर का यूज होता है उसमें ज़्यादातर एक आपका काम आती है, और लंबे समय तक एरोबिक क्रियाओं के लिए रेड मसल्स फाइबर होता है। तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन क्या है, तो विच टाइप ऑफ मसल्स फाइबर आर सुटेबल फॉर लॉन्ग टर्म वर्क्स, यानी कि लंबे समय तक चलने वाली क्रियाओं के लिए उपयुक्त मसल्स फाइबर कौन है इसमें, तो वो है आपका रेड मसल्स फाइबर, यानी कि रेड मसल्स फाइबर क्या है, धीरे धीरे संकुचित होता है, तो क्या हो जाएगा, धीमी झटका पेशी यानी कि स्लो ट्विस्ट मसल्स फाइबर। ठीक है, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेशी संस्थान पर व्यायाम का कौन सा प्रभाव नहीं है। तो दोस्तों जब हम यहाँ पे विच इज नॉट इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन मस्क्यूलर सिस्टम, तो जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो उस समय जो प्रोटीन की मात्रा होती है, एक्टिन, मायोसिन, ट्रोपोनिन, ट्रोपोमायोसिन, ये सब मसल्स में पाया जाता है, उसकी मात्रा बढ़ती है, मायोग्लोबिन की धारिता बढ़ती है, मायोग्लोबिन जो है के कारण ही मसल्स ऊर्जा को अपने अंदर धारित करता है, एंड वसा रहित भार बढ़ता है, यानी भार बढ़ता है बट वसा से रहित होता है, एक सेफ बॉडी में बढ़ता है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कौन सा व्यायाम का प्रभाव नहीं है मस्क्यूलर सिस्टम पर, तो शरीर की वसा बढ़ना, यानी कि आपका जो वसा होगा वो नहीं बढ़े, वह नहीं बढ़ेगा, तो यहाँ पे बढ़ना है तो यही आपका क्रिया नहीं रहेगा, यानी कि इंक्रीज इन बॉडी फैट, ये आपका प्रभाव नहीं रहेगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांसपेशियों के अध्ययन को कहते हैं, तो मांसपेशियों के अध्ययन को मायोलॉजी बोला जाता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार की व्यायामों द्वारा मांसपेशीय संकुचन नहीं होता। तो दोस्तों मांस मसल यानी कि स्ट्रेंथ को डेवलप करने के लिए तीन विधियां हैं, आइसोमेट्रिक, आइसोटोनिक, आइसोकाइनेटिक। तो आइसोमेट्रिक को स्टैटिक यानी कि स्थिर, आइसोटोनिक को क्या कहता है, स्थिर, आइसोमेट्रिक को स्थिर शक्ति बोला जाता है। तो किस प्रकार की व्यायामों में मांसपेशी संकुचन नहीं होता, तो वो होता है आपका आइसोमेट्रिक कंट्रक्शन, आइसोमेट्रिक व्यायाम द्वारा, यानी कि विच टाइप ऑफ एक्सरसाइज डू नॉट कॉज मसल्स कंट्रक्शन, तो यह होगा थ्रू आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज। तो आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज, आइसो प्लस मेट्रिक, यानी आइसो मतलब सेम, मेट्रिक मतलब लंबाई, यानी सेम लंबाई होता है मसल्स का, एंड इसे मांसपेशी की लंबाई न घटती है न बढ़ती है, जबकि तनाव बना रहता है, जैसे कि दीवार को धक्का मारना, दीवार के सहारे बैठना, एंड किसी भार को उठाए रहना, ये होता है आपका आइसोमेट्रिक कंट्रक्शन। जबकि आइसोटोनिक क्या होता है, आइसो मतलब सेम, टोनिक मतलब तनाव, यानी सेम तनाव होता है बट मांसपेशी का लंबाई और घटता बढ़ता रहता है, जैसे कि डंबल्स अभ्यास कर रहे हैं तो जब अपनी तरफ खींच रहे हैं यानी फ्लेक्शन हो रहा है, तो यहाँ पे आइसोटोनिक जो है दो प्रकार का होता है, कंसेंट्रिक, इसेंट्रिक। कंसेंट्रिक जब हम डंबल को ऊपर की तरफ फ्लेक्शन कर रहे हैं तो मांसपेशी की लंबाई कम हो रही है तो वो कंट्रक्शन, कंसेंट्रिक कंट्रक्शन है। जब हम फैला रहे हैं डंबल्स को, नीचे ले जा रहे हैं, तो हमारी मांसपेशी की लंबाई बढ़ रही है, जिसे इसेंट्रिक कंट्रक्शन कहते हैं। तीसरा प्रकार का होता है आइसोकाइनेटिक, यानी कि सेम गति, ये मशीनों के द्वारा ज्यादातर जल वाले क्रियाओं में होता है, जैसे रोइंग हो गया, तैराकी हो गया आदि। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है,
मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी पेशी यानी कि द लॉन्गेस्ट मसल्स इन द ह्यूमन बॉडी इज, मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी पेशी कौन है? तो आप आंसर देखते ही, क्वेश्चन देखते ही आंसर दे दिए होंगे, सार्टोरियस मसल्स। कौन है? सार्टोरियस मसल्स। सबसे लार्जेस्ट पूछेगा, सबसे लंबी सार्टोरियस। सबसे बड़ा पूछेगा तो आपका ग्लूटियस मैक्सिमस। नेक्स्ट है, निम्न में से किसके द्वारा पेशी हड्डी से जुड़ी रहती है? बाय विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मसल्स अटैच्ड टू द बोन, यानी कि मसल्स जो है किसके द्वारा बोन से अटैच्ड होती है? तो वो होता है आपका, किसके द्वारा पेशी हड्डी से जुड़ी रहती है? तो वो होता है आपका टेंडन। क्या होता है? टेंडन। ठीक है, और हड्डियां हड्डियों से जुड़े पर किससे द्वारा अटैच्ड होती हैं? तो वो होता है लिगामेंट। एंड नेक्स्ट है, पेशी फाइबर की मोटाई में वृद्धि कहलाती है। तो दोस्तों, जब हम एक्सरसाइज करते हैं डेली बेसिस पे, तो हमारी मसल्स का जो मोटाई होता है वो आकार आकृति में वृद्धि होती है, तो उसको हम कहते हैं हाइपरट्रॉफी। क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? इंक्रीज इन थिकनेस ऑफ मसल्स फाइबर इज कॉल्ड, तो उसे हम कहते हैं हाइपरट्रॉफी। क्या कहते हैं? हाइपरट्रॉफी। और एक होता है ओट्रॉफी, यानी कि व्यायाम के अभाव के कारण मांसपेशियां छोटी और कमजोर हो जाती हैं, उसे कहते हैं ओट्रॉफी। क्या कहते हैं? ओट्रॉफी। यानी हाइपरट्रॉफी क्या है? जब नियमित व्यायाम करने से मांसपेशियों में वृद्धि हो जाती है, तो इसमें शक्ति ज़्यादा होती है, लचीलापन कम होता है, ऊर्जा का संचार तेज होता है। जबकि ओट्रॉफी क्या होता है? जब मांसपेशी कमजोर, छोटी और शक्ति में भी कम हो जाती है, यह कंकाल मांसपेशियों के फाइबर को प्रभावित करती है, तो ओट्रॉफी होता है। एक होता है हाइपोकाइनेटिक। हाइपोकाइनेटिक क्या होता है? मांसपेशियों का अपेक्षा से ज़्यादा आकार में बढ़ना और स्थिर भी रहता है, तो उसे कहते हैं हाइपोकाइनेटिक। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैस्ट्रोनेमियस पेशी स्थित होती है, तो द गैस्ट्रोनेमियस मसल्स इज लोकेटेड, तो यह कहाँ पे होती है दोस्तों? पैर के निचले भाग में, इन द लोअर पार्ट ऑफ द फूट। ठीक है, गैस्ट्रोनेमियस मसल्स को कॉफ मसल्स भी बोलते हैं। नेक्स्ट है, पेशी संकुचन में ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन होता है? दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, ऊर्जा को बनाता कौन है? तो ऊर्जा गृह बोला जाता है माइटोकांड्रिया कोशिकीय श्वसन के वायवीय श्वसन यानी एरोबिक रेस्पिरेशन के फलस्वरूप जो ऑक्सीजन होता है माइटोकांड्रिया में जाकर के ग्लूकोज को ऊर्जा यानी एटीपी में बदल देता है। वही एटीपी कार्य करते समय जहां जहां जरूरत होता है वहां वहां माइटोकांड्रिया भेज देता है, और पेशी में जब हम कोई कार्य करते हैं तो उस समय एटीपी जो है हमको कार्य करने में ऊर्जा देता है, मदद करता है। तो यानी पेशी संकुचन में द एनर्जी सोर्स इन मसल्स कॉन्ट्रैक्शन इज, तो पेशी संकुचन में मुख्य ऊर्जा स्रोत कौन सा होता है? दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी, एटीपी। क्या होता है? एटीपी। एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या होता है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। पेशी संकुचन ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? एटीपी। एटीपी का अर्थ है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एक होता है पीसी। पीसी का मतलब होता है फास्फोक्रिएटिन, यानी एटीपी और पीसी प्रणाली एक एनएरोबिक प्रणाली है। क्या है? एटीपी पीसी प्रणाली, जो हम ऊर्जा बना है वो जो है स्पीड वाले यानी तुरंत अनएरोबिक क्रियाओं, बिना ऑक्सीजन की जो क्रियाएं होती हैं, कम समय की क्रियाएं होती हैं, जो शक्ति से रिलेटेड होती हैं, पावर से रिलेटेड होती हैं, वहां पे आपका एटीपी पीसी प्रणाली काम करता है, जिसमें पीसी यानी कि फास्फोक्रिएटिन के विखंडित हो जाने पर एटीपी का उत्पादन होता है, और एटीपी प्लस पीसी प्रणाली की क्षमता बढ़ जाने से अधिक ऊर्जा निकलती है। तो ये अनएरोबिक क्रियाओं में होती है, जबकि एरोबिक यानी सहनशीलता वाले क्रियाओं में क्या करती है? जो हमारे बॉडी में फैट स्टोर है, पहले से स्टोर है, उसका उस ऊर्जा का यूज होता है सहनशीलता वाले कार्यों में। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कंडरा जोड़ती है, यानी कि कनेक्ट्स टेंडन्स, यानी टेंडन जो है एक दूसरे को किससे जोड़ती है, तो आपको पता है मसल्स को, कंकाली मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ती है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, तो कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, एक पेशी को अस्थि से, ठीक है, पेशी को अस्थि से जोड़ती है, यानी कि कौन सा ऑप्शन, द ए मसल्स टू ए बोन, यानी कि एक पेशी को अस्थि से जोड़ती है, जबकि लिगामेंट क्या करता है, दो अस्थियों को जोड़ों पर जोड़ता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मांसपेशी को टेलर मांसपेशी के रूप में जाना जाता है, तो जो सबसे लार्जेस्ट मसल्स होता है, यानी विच मसल्स इज नोन एज टेलर मसल्स, तो टेलर मसल्स के नाम से जाना जाता है सार्टोरियस मसल्स को, जो हमारे शरीर की सबसे लार्जेस्ट यानी कि लंबी मसल्स होती है। नेक्स्ट दोस्तों, स्टेनोक्लेरोमस्टायड पेशी स्थित है, स्टेनोक्लेरोमस्टायड मसल्स इज लोकेटेड, तो स्टेनोक्लेरोमस्टायड पेशी कहाँ पे स्थित है, ये हमारे गर्दन पे स्थित है दोस्तों, कहाँ पे, गर्दन पे, अंदर नेक, ठीक है। ये क्या करती है, ये हमारे जो है गर्दन को घुमाने में मदद करती है, फ्लेक्शन एक्सटेंशन में। नेक्स्ट है, उड्डयन बंध के अभ्यास में मुख्यतः कौन सी मांसपेशियां प्रभावित होती हैं, विच मसल्स आर मेनली अफेक्टेड इन द प्रैक्टिस ऑफ उड्डयन बंध, तो दोस्तों उड्डयन बंध क्या होता है, एक प्रकार का प्राणायाम है, उसमें मुख्य रूप से हमारे जो उदर की यानी कि पेट की मसल्स होती हैं, एब्डोमिनल मसल्स, वो इफेक्ट होता है। नेक्स्ट है, मांसपेशी के विकास के लिए क्या आवश्यक है, विच इज नेसेसरी फॉर मसल्स डेवलपमेंट, तो मांसपेशी के विकास के लिए क्या आवश्यक है, अतिरिक्त अनुवांशिक क्षमता यानी कि एडिशनल जेनेटिक पोटेंशियल की, अतिरिक्त आराम और तनाव यानी एडिशनल रिलैक्सेशन एंड स्ट्रेस रिलीफ, या अतिरिक्त आहार यानी एक्स्ट्रा फूड की, अतिरिक्त अभ्यास यानी कि एक्स्ट्रा प्रैक्टिस। तो दोस्तों मांसपेशियों के डेवलपमेंट के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है अतिरिक्त अभ्यास यानी एक्स्ट्रा प्रैक्टिस। नेक्स्ट है दोस्तों, हृदय की सबसे बाहरी परत को कहते हैं, यानी कि हृदय तीन मसल से मिलकर बना है, तीन परतों से, एपिकार्डियम, मायोकार्डियम एंड एंडोकार्डियम। तो जो एपिकार्डियम है उसके भी दो परत होते हैं, एपिकार्डियम है उसके भी दो परत होते हैं, एपिकार्डियम जो सबसे बाहरी परत होती है वो पेरिकार्डियम के तीन परतों से बना होता है, जिसके बीच में सेरस नामक पदार्थ भरा रहता है जो हृदय को बाहरी आघातों से रक्षा करता है। दूसरा परत होता है मायोकार्डियम और तीसरा परत होता है एंडोकार्डियम, जिसके अंदर अलिंद और निलय होते हैं हृदय के चारों भाग। तो हृदय की सबसे बाहरी परत कौन होगी, तो एपिकार्डियम नहीं दिया रहेगा, तो एपिकार्डियम का ही भाग होता है पेरिकार्डियम, तो पेरिकार्डियम राइट हो जाएगा, यानी कि द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द हार्ट इज कॉल्ड, तो कौन होगा आपका, पेरिकार्डियम होगा यहाँ पे, जब एपिकार्डियम दिया रहेगा तो एपिकार्डियम होगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांसपेशी तंतु का समूह किसके द्वारा ढका रहता है, तो यहाँ पे आपको ध्यान देने की जरूरत है, विद द ग्रुप ऑफ मसल्स फाइबर कवर्ड विद, यानी कि मांसपेशी तंतु का समूह किसके द्वारा ढका रहता है, तो याद रखिए जब एक मांसपेशी को ढकने की बात हो तो वहां पे इंडोमासियम होगा, जब मांसपेशी को फासिक्यूलस यानी कि समूह, मांसपेशी तंतु के समूह की बात हो तो वहां पे होगा पेरिमाइसियम, जब संपूर्ण मांसपेशी को घेरने की बात हो तो वहां पे एपिमाइसियम राइट होगा, वहां पे क्या राइट होगा, एपिमाइसियम राइट होगा। तो यहाँ पे क्या राइट होगा, यहाँ पे मांसपेशीय तंतु के समूह को बोल रहा है, तो यहाँ पे आपका होगा पेरिमाइसियम, कौन राइट होगा, पेरिमाइसियम। अगर यहाँ पे बोलता कि एक मांसपेशी किसके द्वारा ढका रहता है मांसपेशी तंतु, तो एंडोमाइसियम। अब बोलेगा
कि संपूर्ण मांसपेशी तंतु किससे ढका रहता है, तो एपिमाइसियम। आई होप कि आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट है आइसोमेट्रिक मांसपेशी के खिंचाव को कहा जाता है। तो आइसोमेट्रिक मसल्स स्ट्रेचिंग इज कॉल्ड, इसको क्या कहा जाता है, तो इसको स्टैटिक मसल्स स्ट्रेच बोला जाता है। क्या बोला जाता है? स्थैतिक मांसपेशी में खिंचाव, यानी कि स्टैटिक यानी स्थिर मांसपेशी में खिंचाव इसको बोला जाता है, क्योंकि यह जो आइसोमेट्रिक होता है स्टैटिक मसल्स स्ट्रेच होता है, जबकि आइसोटोनिक जो होता है गतिशील यानी कि डायनेमिक मसल्स स्ट्रेंथ होता है। याद रखिएगा दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही, एंड इसी तरह आपके हर एक टॉपिक को मैं डिटेल में बताते जाऊंगी कि उस क्वेश्चन से दो दो तीन तीन क्वेश्चन आपका तैयार हो जाए, और डेली बेसिस पर आप मेरे साथ बने रहिए। चाहे कोई भी टॉपिक हो मैं उसको पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ अच्छे तरीके से आपको प्रिपरेशन कराऊंगी। आप अपना सेल्फ स्टडी भी करते रहिए और मेरे साथ प्रैक्टिस भी करते रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।